दोस्तों, मैं पिया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं मलाल के स्टार कास्ट मिजान एंड शारमिन। सो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सो बी टाउन के फ्रेश न्यू फेसेस, पहली मूवी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या क्या डिफिकल्टीज आप दोनों को फेस करनी पड़ी? एक्सपीरियंस ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा रहा। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस का हिस्सा है। लाइक खुशी था, आंसुएं थी, बहुत ढेर भरी आंसुएं। पता चल रहा है डायलॉग डिलीवरी में कितनी डिफिकल्टी आई होगी। नहीं, देखो मुझे हिंदी समझ में आती है, मैं टूटी फूटी बोल लेती हूँ, तो जब स्क्रिप्ट हाथ में आता है तो फिर निकल जाता है। आप मूवी देख लोगे ना 5 जुलाई को तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, यू नो लाइक इन्होंने कहा कि बहुत यू नो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि हमारी पहली पिक्चर भी है एंड यू नो स्पेशली विद अ पर्सन लाइक संजय लीला भंसाली जी के साथ है। तो यू नो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट था स्पेशली डेब्यू डांस के लिए। तो यू नो हम एक ऐसे किरदार प्ले कर रहे हैं जो हमसे इतने अलग हैं, तो उस किरदार में घुसने के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है और प्रोसेस हो जाता है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट यू नो ओवरऑल जर्नी बहुत यू नो बहुत मज़ा आया उस पर। और हम ये जो है मेरी दोस्त थी पहले से ही, मेरे स्कूल में एक्चुअली मेरे साथ थी, तो यू नो एक दोस्त है सेट पर आपके साथ, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है कोस्टार के साथ काम करने में। एंड एट द सेम टाइम जो डायरेक्टर भी हैं मंगेश जी, वो यू नो वो भी हमारे बहुत करीबी दोस्त बन चुके हैं। So, मंगेश जी के साथ भी ट्यूनिंग आप लोगों की कैसी रही? नहीं, बहुत अच्छी। लाइक आई सेड यू नो कि मंगेश जी जो हैं उनसे पहले मुलाकात हुई थी, तो धीरे धीरे यू नो आपको दोस्ती की तरफ बढ़ना पड़ता है और यू नो इंसान को समझना पड़ता है। और एग्जैक्टली उन्होंने भी वही किया हमारे साथ। उन्होंने कभी हमको ऐसे ट्रीट नहीं किया कि हम यू नो हम उनके स्टूडेंट्स हैं और समथिंग लाइक दैट यू नो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही हमारे टीचर थे इन दिस होल प्रोसेस अलॉन्ग विथ संजय सर ऑब्वियसली। और क्या हुआ कि हम एक्चुअली 3 साल हमने ये फिल्म में बिताए हैं, बिकॉज हमारे 1.5-2 साल वर्कशॉप्स चले, फिर उसके बाद 1 साल हमारी शूटिंग चली, तो वो बहुत लंबा समय होता है। और उस समय में आप रोज़ किसी के साथ वक्त बिता रहे हो और बहुत वक्त बिता रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा ही करीब हो जाते हैं एक दूसरे से। एंड वो हमारे दोस्त थे मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक डायरेक्टर से भी ज़्यादा वो हमारे दोस्त थे। आपका तो दोस्तों का ही सर्कल रहा है इस मूवी के दौरान। और आपसे मिजान मैं पूछना चाहूँगी कि आप पहले भी बड़े पर्दे पे देखे जा चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस को हमसे प्लीज शेयर कीजिए। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं है, आई थिंक हाल ही में पता चला है। बट यू नो पद्मावत जो संजय सर की फिल्म है उस पर मुझे असिस्ट करने का मौका मिला, और यू नो वो ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज लाइक यू सेड वो पहली बार था जब यू नो मैं एक्चुअली मेरा सिल्वर स्क्रीन डेब्यू हुआ था, और यू नो संजय सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे और वो सामने थे और वो देख रहे थे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जिस दिन मैं एक्चुअली गया था वो सीन करने के लिए, जो प्लान्ड बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी जब उनको एक्स्ट्रा शॉट्स लेने थे और यू नो एक्टर अवेलेबल नहीं थे रणवीर सिंह जी, और उन्होंने मुझसे कहा कि आ जाना बस कल, और मैं कभी सर को ना नहीं कह सकता। सो दैट मींस यू डिड बॉडी डबल फॉर रणवीर सिंह। जी, एंड आई वेंट उस दिन एंड आई स्टूड इन एंड आई डिड द सीन। बट यू नो दे इट ऐसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आपने कभी कैमरा फेस नहीं किया, आपने कभी यू नो स्पेशली इतने सारे लोगों के साथ आपने सामने आपने कुछ किया नहीं है। और संजय सर का सेट एक्चुअली एक यू नो एक स्विमिंग पूल नहीं, लोग नॉर्मली स्विमिंग पूल में सीखते हैं 15 फीट की स्विमिंग पूल, 15 फीट भी नहीं, इट्स ओशन है वो, सीधा आप समंदर में कूद रहे हो यू नो, और आप 500-600 लोग आपके सामने खड़े हैं, पूरी आर्मी है उनके सामने, आपको स्पीच बोलनी है, सब आपको देख रहे हैं, आपको लाइनें याद रखनी है, आपको आप इतने सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा यू नो इतनी चीज़ों के बारे में आप सोचने लगते हो, बिकॉज यू नो मैं सोच रहा था कि ओके संजय सर ने मुझे एक्चुअली कभी प्रॉपर परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, अब मैं आके ये कहूँगा, ऐसा ना हो कि संजय सर का माइंड बदल हो जाए कि मुझे मीज़ान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। बट नहीं, बट यू नो बहुत बहुत अच्छा, बहुत लाइक यू नो रिमेम्बरेबल एक्सपीरियंस था। शारमीन, मामू उर्फ संजय लीला भंसाली के साथ सेट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब घर वाला माहौल था या
प्रोड्यूसर वाली स्ट्रिक्टनेस थी? देखो संजय सर मेरे साथ बहुत नरम दिल है इन ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक वो मेरे साथ ज़्यादा सख्त नहीं है, बट मैं खुद के ऊपर बहुत सख्त हूँ. तो डूरिंग बाजीराव मस्तानी एक जो रिस्पेक्ट आता है ना संजय लीला भंसाली के लिए, क्योंकि उन्होंने वो कमाया है अपनी ज़िंदगी में वो नाम, उन्होंने वो उनका एक उनका बहुत छोटा सा घर था जिसके अंदर बाथरूम भी नहीं था, और फिर उसके बाद वहाँ से लेके संजय लीला भंसाली तक पहुँचना, वो रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाई. तो जब मैं असिस्ट कर रही थी तब मुझे एक्चुअली उनकी अहमियत मालूम पड़ी कि वो हमेशा मामा थे, वो हमेशा मुझे लाइक प्रेजेंट्स देते थे जब मेरी मम्मी और पापा मुझे प्रेजेंट्स नहीं देते थे. बट ऑन सम लेवल जो जब मैंने असिस्ट किया मैंने एक्चुअली देखा उनको काम करते हुए, और उस टाइम पे मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए इतनी बढ़ गई क्योंकि जो बारीकी वो एक शॉट में डालते हैं ना. मैंने मैरी कॉम पे भी काम किया था तो मुझे दो डिफरेंट सेट के एनवायरनमेंट्स देखने को मिले, तो मैंने देखा कि इतनी बारीकी से कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई कोई करता नहीं है, कर सकता है नहीं कर सकता वो मुझे नहीं मालूम, बट कोई करता नहीं है. एंड जो मेहनत जाती है ना उतनी बारीकी में काम करने के लिए, वो भी मैंने उनसे सीखा. जो डेडिकेशन और मेहनत, जितना अपने मेंटल हेड स्पेस देना पड़ता है अपने काम को एक क्रिएटिव फील्ड में, आई थिंक संजय लीला भंसाली से बेटर वो कोई करता नहीं है. अपनी पूरी जान एक पिक्चर में डाल देना या फिर अपने क्राफ्ट में डालना. कमिंग बैक टू मिजान, बीइंग द सन ऑफ जावेद जाफरी, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है अपने फादर से? यू नो फादर एक्चुअली इतने मल्टी टैलेंटेड हैं और सब कुछ करते हैं. यू नो वो मिमिक्री करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, यू नो कुछ भी कसी, सो मल्टी टैलेंटेड. तो यू नो उनके लिए मैं बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ, यू नो. एंड यू नो मेरे लिए एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस हो जाती है जो मुझे भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली मैं कितना सीख रहा हूँ, क्योंकि आप बचपन से उनको उनके सेट्स पर, उनके डांस रिहर्सल्स पर, उनके स्टूडियोज़ में जो भी वो कर रहे हैं, तो आप उस सारी चीज़ें देख रहे हैं बचपन से, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलता. तो आई थिंक यू नो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनसे और मेरे दादाजी से इतनी सीख मिली और उनकी बातों से मुझे इतना सीखने को मिला. ओके, और शर्मेन आपने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है, तो कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है. बहुत जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर, आपको बहुत सीखने को मिलता है कि सेट का एनवायरनमेंट कैसे है. तो ऑन सम लेवल जब मीज़ान पद्मावत पे असिस्ट कर रहा था वो कैमरे के सामने था टेक्निकली, क्योंकि वो रणवीर का स्टैंड इन करता था और वो क्लैप देता था. मैं कैमरे के सामने कभी गई नहीं क्योंकि मैं कॉन्शियस थी उस टाइम पे या जो भी था. आप कॉन्शियस थी इसका भी हमें पता चला है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपना, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. तो ये असिस्टेंट डायरेक्टिंग के टाइम पे ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा था. उस टाइम मुझे मालूम भी नहीं था तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं पतली हो पाऊंगी, क्या मैं एक्टर बन पाऊंगी, क्या मुझ में इतना कॉन्फिडेंस इतना क्या आ जाएगा. एंड इस दौरान आई थिंक प्रियंका चोपड़ा जी और संजय सर ने मुझे बहुत लाइक हौसला दिया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत सीख दी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. लाइक लिपस्टिक लगाओ, बाल बनाओ, यू नो जब आप सीन पर, पीसी ने मेरे साथ सीन्स किए हैं, रणवीर जी ने मेरे साथ सीन्स किए हैं, तो ऑन सम लेवल वो सब चीज़ें एज एन एक्टर आपको आइडिया आता है कि क्या आगे क्या है, आपको करना क्या होगा आगे. बट जब आप एक्चुअली करने जाते हो ना तो सब कुछ खिड़की के बाहर चला जाता है, क्योंकि आपको खुद में इतना रहना पड़ता है जब आप एक्टिंग कर रहे हो कि जो भी सीख आपको मिले अगर आप वो सोचोगे उसके बारे में वो डायरेक्टली आपके चेहरे पर आके दिखेगा. और अगर और ऑन सम लेवल आपको थोड़ा वो कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूज्ड फीलिंग आएगी. और एक बहुत तो वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वो सब चीज़ें हैं ना जो मलाल के सेट पे जब मैंने शुरू किया, हमने शूटिंग शुरू की थी तब पहले 20 दिन ये बहुत मुश्किल था. मैं हमेशा लोगों को अपना काम बोलती थी कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. कभी भी मैं बोलती थी कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने भी ये काम किया है, इतना मुश्किल तो नहीं है. बट मुझे बाद में पता चला कि मुझे वो सब चीज़ें जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो अंदर घुसा हुआ था पिछले लाइक 3 साल से वो बाहर रखना पड़ा, क्योंकि वो मुझे मेरे एक्टिंग को अफेक्ट कर रहा था. तो वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था असिस्टिंग और एक्टिंग का. बट एक उससे भी उससे छोटा वाला है कि लाइक लोग आपको अलग तरीके से देखने लगते हैं. एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आप कैमरे के पीछे हो और पूरा यूनिट आपके लाइक कंधे पे नहीं है, जो भी वहाँ पे काम कर रहा है आप उनके चेहरे का लाइक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो पूरी दुनिया का, उनकी सारी मेहनत आप दिखा रहे हो पूरी दुनिया को. एज एन एक्टर वो पता लगता है कि जब मैं सेट पे जाती हूँ वो जो
ये सारे लोग जो यहाँ पे और इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी पिक्चर लेके जाऊंगी लोगों के सामने, वो मेरे चेहरे के थ्रू कन्वे होगा, वो एक थॉट जो रहता है एज एन एक्टर। तो जब आप सेट पे जाते हो, लोग आपको मैम बुलाने लगते हैं, लोग आपके लिए दरवाजा खोलने लगते हैं, मैं बोला भाई हम तो चिल करते थे बाजीराव मस्तानी के टाइम पे साइड में जाके, और तू मेरे को बोल रहा है कि दरवाजा खोल रहा है मेरे लिए, मैम बोल रहा है मेरे को, लेकिन ये कौन, मुझे थोड़ा अजीब लगा शुरुआत में। अभी मैं थोड़ी यूज्ड टू होती जा रही हूँ एक्टर लाइफ के साथ, बट मुझे हमेशा एडी होने से लगाव रहा है, हमेशा रहेगा। विश टू सी यू मोर एंड मोर ऑन स्क्रीन, ऑन बिग स्क्रीन। एंड एक क्वेश्चन आप दोनों के लिए, नेपोटिज्म जी, आप दोनों इस चीज से कितना एग्री करते हैं? सभी का मानना यही है कि स्टार चाइल्ड, डायरेक्टर चाइल्ड जितने भी होते हैं उन्हें इजीली ब्रेक मिल जाते हैं, उन्हें थाली में सजा के चीजें मिल जाती हैं। सो देखो, हमने ये हर बार बोला जब भी हमें सवाल पूछा गया है कि नेपोटिज्म है हर फील्ड में, है नेपोटिज्म ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहे वो है नेपोटिज्म, अगर बिजनेस, अगर एक बिजनेसमैन है उसका बेटा उसके बाप के बिजनेस को टेक ओवर करना चाहे तो वो भी नेपोटिज्म हो गया। तो नेपोटिज्म हर फील्ड में है, हाँ आसान होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सपेक्टेशन, जो द फैक्ट दैट तुम्हें ये मौका इतनी आसानी से मिला है, तुम उसका क्या करोगे वो मायने रखता है एट द एंड ऑफ द डे। ऑडियंसेस क्या सोचेगी वो मायने रखता है एट द एंड ऑफ द डे। हम अपने आप को थोप नहीं रहे ऑडियंस पे, बहुत कोशिश कर रहे हैं ना थोपने की। एट द एंड ऑफ द डे फिल्म को प्रमोट भी करना पड़ता है क्योंकि पिक्चर को पैसे भी बनाने पड़ते हैं, और आज की जनरेशन में सोशल मीडिया को लेके प्रमोशंस और स्टार किड्स बहुत पब्लिक फिगर्स हो चुके हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है देखने के लिए कि सब कुछ बहुत पब्लिक हो चुका है। तो अगर मैं संजय लीला बंसाली की भांजी हूँ, वो बात इवेंचुअली बाहर आएगी, जब मैं बाहर स्टेप करूँगी लोग जानेंगे कि मैं संजय, जितना भी मैं ना बताना चाहूँ एक तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और क्योंकि सब कुछ इतना पब्लिक है लोग जानेंगे, तो वो एडिशनल प्रेशर तो वैसे भी आता है। और हाँ आसान है, बट फिर जिम्मेदारी हम पे आती है ना कि हमारा 100% हम दें, और हम कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं। नो डिसीजन द ऑडियंस के हाथ, एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश इतनी ही होगी, उनका एक्सेप्टेंस या ना एक्सेप्टेंस इवेंचुअली डिसाइड करेगा, एंड होपफुली मलाल देख के उनको लगेगा कि हम मलाल देख के उनको कोई भी मलाल नहीं होने वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, चलिए आप दोनों, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगी कि आप लोग बॉलीवुड के लिए न्यू हैं, बट बॉलीवुड का नॉलेज आप लोगों का कैसा है आई मां जानना चाहेंगे। So I have a few questions from Bollywood. I'm scared. I'm excited. Okay. Tabu ka pura naam kya hai? Jaldi, 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 quick. I don't know. What is the answer? Tabassum Fatima Hashim. अनिल कपूर ने पहली बारी अपनी मुझे कौन सी मूवी के लिए शेव की थी? जल्दी जल्दी अपनी, आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो? बॉलीवुड का नॉलेज, अरे मुझे कौन सी मूवी में शेव किया थी पहली बार? अरे की थी, बहुत ही पॉपुलर मूवी थी, श्रीदेवी के साथ। लम्हे, यस राइट, हाउ डिड यू नो दैट? श्रीदेवी के साथ। ओके ओके, अच्छा अब ये मूवी जो है ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते होंगे, तो बताइए कि शोले मूवी में वीरू ने बसंती को कहां पे प्रपोज किया था? जल्दी से जल्दी। ओह माय गॉड, दिस इज सो बैड। ओह, ऑन द शोले मूवी, या वो ऊपर चढ़कर, कहां कहां चढ़कर? पानी की टंकी पर। यस एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जी, अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी की, जया बच्चन की पहली मूवी, पहली मूवी। ओके वेट 1 सेकंड, होल्ड ऑन। सिंगर एंड ही, वो भी सिंगर रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी मूवी उन्होंने एक साथ की है, पर पहली मूवी कौन सी है? जल्दी, जंजीर? नहीं, शी इज देयर इन जंजीर, बट हां शी इज देयर, बट जल्दी। ओके गाइस, गिव अप, बंसी बिरजू। बंसी बिरजू, आई वुड हैव नेवर गॉट दैट, बंसी बिरजू। ओके ओके, अक्षय कुमार की पहली मूवी नहीं, पहली खिलाड़ी मूवी बताया, इंटरनेशनल खिलाड़ी, पहली खिलाड़ी। एग्जैक्टली, आंसर क्वेश्चन में ही था। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, जावेद जाफरी की पहली मूवी, हाउ वेल यू नो ईच अदर? मेरी जंग। एग्जैक्टली, संजय लीला भंसाली की डायरेक्टोरियल डेब्यू, खामोशी। खामोशी, क्या बात है, बिग हैंड्स फॉर यू गाइस।
These are actually the most difficult questions we've been asked today. Yeah. Yeah. At least the first half. Yeah, they were damn difficult. But last was best. मुझे कब शेव की थी? I don't think even Sona Maheshwaran or Riya will lose. I don't think Aliya Kapoor will remember. Yeah, probably. Now you better watch Lamhe. I will. Shridevi के साथ काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, अच्छी मूवी थी अपने टाइम की. खैर एनीवेज, अब इसी के साथ यहाँ पे ये सेशन, ये इंटरव्यू एंड करते हैं. और जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए. यू नो गाइस, प्लीज मलाल देखिएगा 5 जुलाई को. और ये हमारा वादा है कि जब आप यू नो फिल्म देखने जाएंगे, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो या अपने एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जिससे आप करीब हैं उनके साथ हो या दोस्तों के साथ हो, तो आपको यू नो वो समय याद आएगा जब यू वांट टू एक्सप्लेन दिस, यू डू इट बेटर. जी, आपको वो समय याद आएगा जिस लाइक जो आपके सबसे, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, या तो वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, बट जिस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते हो, आपको वो याद आएंगे. और होपफुली अगर आपके ज़िंदगी में कोई मलाल है, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई मलाल ना छोड़े, स्पेशली आपके प्यार में. थैंक यू. So guys, book your ticket for Malal 5th July. See you all there. Thank you.